अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मां तवानी मेज़बान सबिन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में गाल कंदासी बजट जे हवाले सां। कल सिंध असेंबली में सिंध बजट पेश कयो वियो। सिंध जी 14 खरब खां वधीक जी बजट पेश कई वई, जेका बज़ाहिर तमामु घणी पुरकशिश नज़र अचे थी। ईअं चई सघिजे थो त बजट जे मामले में सिंध वफ़ाक़ खां बाज़ी खणी वियो आहे। इन हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त 25,000 घटि में घटि मज़दूर जो उजूरो रखियो वियो आहे। सरकारी मुलाज़मनि जी पघारनि में 20% वाधि कई वई आहे। पेंशन्स में 10% वाधि कई वई आहे। मुख़्तलिफ़ जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि उन्हनि में पैसा रखिया विया आहिनि। बेनज़ीर वुमेन एग्रीकल्चर प्रोग्राम शुरू कयो वियो आहे। मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे ग्रांट जी मदद में पैसा रखिया विया आहिनि। 3,000 जेको आहे सो नई नौकिरियुनि जो ऐलान पिणु कयो वियो आहे। बजट जे हवाले सां जॾहिं असां ॻाल्हि कयूं था त असांखे क़ौमी असेंबली ऐं सूबाई असेंबली जे फ्लोर ते जेका हुलड़बाज़ी ऐं जेका ग़ैर पार्लियामानी ॿोली इस्तेमालु थींदी नज़र अचे थी, उहा बि कंहिंखां गुझी न आहे। क़ौमी असेंबली जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त क़ौमी असेंबली में बजट बुक्स जेके हिक ॿिए खे हया विया, जंहिंमें हिकिड़ी मेंबर पारां मेंबर जेका आहे ज़ख़्मी पिणु थी। इन ते मुख़ालिफ़नि ऐं हुकूमती मेंबरनि पारां हिक ॿिए ते इल्ज़ाम हया था वञनि। पीपल्स पार्टी पारां मुतालबो कयो आहे त स्पीकर क़ौमी असेंबली असद कैसर फौरी तौर ते जेको आहे सो मुअतल थिए। हिन हवाले सां स्पीकर क़ौमी असेंबली जे वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात पिणु थी आहे। 7 अहिड़नि मेंबरनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई पिणु कई वई आहे। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी जी मुख़ालिफ़ धुर अॻवान शहबाज़ शरीफ़ सां पिणु हिन मामले ते मुलाक़ात थी आहे ऐं असेंबली अंदरि तक़दुस बहाल रखण लाइ कोशिशुनि ते इतफ़ाक़ करण जो फ़ैसिलो पिणु कयो वियो आहे। साॻी सूरत हाल असांखे सिंध असेंबली में पिणु नज़र आई, जंहिं ते अपोज़िशन में जा जेके पीटीआई जा मेंबर आहिनि उहे पुराणी बस में सवार थी आया ऐं असेंबली में तूताड़ियुनि जो या मुख़्तलिफ़ तरह जी आवाज़नि या हुटिंग करण जो सिलसिलो जारी रहियो, जंहिं ते वॾे वज़ीर खे बजट स्पीच करण में ॾुखियाई पेश पिणु आई। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में बजट में हुकूमत कहिड़ा फ़ाइदा ॾेई सघी आहे। अपोज़िशन बजट ते बि तनक़ीद कई आहे। असेंबली फ्लोर्स ते जेको लखे रुपया ख़र्च थियनि था आवाम जा पैसा ऐं माण्हुनि खे कुझु डिलीवर करण जे हवाले सां, त इन तरह जो जॾहिं मामिलो नज़र ईंदो त आवाम ते इनजो कहिड़ो असर पवंदो, वोटर छा सोचींदा, त जेके मेंबर असांजा मसला हल करणु वञनि था उहे उते फ्लोर्स ते इन तरह जो तमाशो कनि था। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली हीर सोहो। हीर भलीकार, तव्हां प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो। पीटीआई मां असांखे मेंबर्स इन असेंबली शहजाद कुरैशी साहब जॉइन कयो। शहजाद साहब, आपको वेलकम कहती हूं, आपने प्रोग्राम में जॉइन किया। शुक्रिया। हीर, छा चवंदो सिंध बजट? तनक़ीद त तमामु घणी कई वई पर 14 खरब खां जेका वधीक वॾी बजट पेश कई वई आहे, हुनमें मराहतूं पुरकशिश हिकिड़ो पैकेज पिणु ॾिनो वियो आहे, छा चवंदो? बिल्कुलु यकीन, हर गवर्नमेंट जी कोशिशि हूंदी आहे त बहितर खां बहितर बजट पेश करे ऐं आवाम खे ग्राउंड ते वेही रिलीफ ॾेई सघिजे, चाहे उहो डेवलपमेंट जे हवाले सां हुजे या को रिलीफ हुजे का सब्सिडी हुजे। सिंध गवर्नमेंट जो जेको बजट आहे उहो तव्हां हूंदा 14 खरब जो, जंहिंमां तक़रीबन 322 अरब जो डेवलपमेंट साइड जो बजट आहे, जेको असांजे तक़रीबन 229 जेको आहे उहो प्रोविंशियल ADP आहे ऐं 30 बिलियन जेको आहे उहो डिस्ट्रिक्ट ADP आहे, त 87 जे क़रीब तक़रीबन फॉरन एड प्रोजेक्ट्स आहिनि। अहिड़ी तरह तव्हां खुद ॿुधाए चुको आहे काफ़ी अहिड़ी शयूं आहिनि जेके गवर्नमेंट जी पूरी कोशिशि हुई त असां सिवा वधियो त हर साल जेको आहे सैलरी में क़ीमत में 20% इंक्रीज़ आहे ऐं हिन वक़्तु जेको प्राइवेट सेक्टर खे 25% वधायो 25,000 ॾिनो वियो आहे, उन में गवर्नमेंट जेके मुलाज़िम आहिनि उन्हनि जो कोशिशि कई वई त 19,000 पहिरीं ग्रेड जे मुलाज़िमनि जी पघार आहे उनखे बि स्पेशल अलाउंस ॾेई उन्हनि जी पघार जेकी आहे उहो पहिरीं ग्रेड वारे जी 25,000 थी वई आहे। अहिड़ी तरह जेके डिफरेंट सेक्टर्स आहिनि उन्हनि में बि कोशिशि कई वई आहे त असां आवाम खे रिलीफ ॾियूं, चाहे उहो इरीगेशन हुजे। असां बि काफ़ी सारा प्रपोज़ल ॾिना जेके सीएम साहब खां थिए चुको, हर तरीक़े में नवां प्रोजेक्ट ॾियो। मुंहिंजे तरीक़े जे तरीक़े सां में तालुक आहे, उते डिग्री कॉलेज मंज़ूर करायो जो कमु शुरू थियो आहे, इवन किडनी सेंटर पंहिंजे शहर जे लाइ जेको आहे उहो मिलियो आहे। अहिड़ी तरह असां सम्झूं था त तमामु जनरली एजुकेशन जे हवाले सां बहितर ऐं हेल्थ में जेके कमु था उतां कमु आहे त जेको NICD आहे उहो सेटेलाइट हुन जे थ्रू, पर असीं सम्झूं था अञा तमामु घणी ज़रूरत आहे जिन में इंफ्रास्ट्रक्चर बहितर थियो आहे। उते तव्हां वञो था ॾिसो था पर उन्हनि में अञा तमामु घणी ज़रूरत आहे, यकीन डेवलपमेंट साइड ते ऐं जॉब्स जे हवाले सां पंहिंजो प्रोमिन जे हवाले तक़रीबन हिन में कामयाब गई है। देखिए, एक चीज ये होती है कि आप पॉपुलर डिसीजन लें
आप पब्लिक को खुश करने के लिए अनाउंसमेंट करें, एक ये होता है कि आप रियलिस्टिक होकर मुल्क को कौम की मफाद में फैसले करें। आप कल आप काम ये करेंगे 40% 50% इंक्रीज कर दें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, आप ऐलान कर दें कि हम सरकार के अंदर सिंध सरकार के अंदर 10 लाख लोगों को मुलाजमतें देंगे, ये रियलिस्टिक है नहीं। उसकी वजह यह है कि कल कला को वो आपके बजट पे बोझ बढ़ेगा, आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगे, एट दी एंड सूबे का नुकसान होगा। प्रॉब्लम ये आती है कि आप तनख्वाह जितने ज्यादा बढ़ा लें, लेकिन ये तनख्वाह जब आप बढ़ाएंगे तो देंगे तो इसी बजट से, अवाम वैसे ही परेशान है। अवाम का हाल ये है, अवाम का सिंध में हाल ये है कि आगे से ज्यादा मुलाजमी तो गोश्त है, जो बायोमेट्रिक सिस्टम अभी तक हम सिंध में लेकर नहीं आए, जिससे पता ही नहीं है, एक एक बंदा दो दो सरकारी मुलाजमतें कर रहा है या घर में बैठा हुआ है प्राइवेट जॉब कर रहा है। जिस तरह से इमरान खान साहब की पॉलिसीज हैं कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाए, प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नौकरियां निकाली जाएं, जैसे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को उन्होंने प्रमोट किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को किया, एक्सपोर्ट बढ़ाई, इंपोर्ट कम की, इंडस्ट्रीज यहां लग रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज लग रही है, इससे क्या होगा, हमारे मुल्क के अंदर रोजगार बढ़ेगा। इसके अलावा जो इन्होंने कामयाब जवान के तहत और वैसे भी जो हर शहरी घराने को कर्जा देने का बोला, घर का कर्जा अलग, कारोबार के लिए अलग, इससे क्या होगा, जो बंदा भी कारोबार खोलेगा, छोटा कारोबार भी खोलेगा, 4 से 5 लोगों की फैमिलीज का कारोबार उनसे मुंसलिक होगा। बात यह आती है सिंध गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट ने तो हमेशा हेल्थ एजुकेशन ये इतने बड़े बड़े बजट रखे, तो इनका बजट का जो मेजर पार्ट है सबीन वो तो एक्सपेंडिचर में तनख्वाहों में चला जाता है। आपको कहीं बेहतरी नजर आ रही है, एड्स से यहाँ बच्चे मुतासर हो रहे हैं, एंटी रेबीज की दवाइयां यहाँ नहीं मिलती है, जाली दवाइयां लगती हैं जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हो रही है रोजमर्रा पर देख लें। इसके अलावा कोई हेल्थ सिस्टम आप देख लें, अब ये बात करेंगे NICVT की बात करेंगे, एक हॉस्पिटल की बात करेंगे, बोलेंगे उसकी 2 ब्रांचें हैं, 3 हैं 5 हैं 6। सिंध जो हमारा सूबा है ये 6 करोड़ आबादी, 6.5 करोड़ आबादी का सूबा है, इस सूबे के अंदर जितने हॉस्पिटल चाहिए, जितने एजुकेशन का हाल देख लें, भैंसे बदी हुई है। मैं इस कराची शहर के अंदर मेरे गिजरी जो मेरे हल्के का स्कूल है, एक ही स्कूल के अंदर 4-4 स्कूल हैं और वहां पर 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से बेहतरी आएगी? जब एक आदमी मजबूर है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए, तो फिर गवर्नमेंट पे ये जो आप 240 या 50 अरब आपने रखे हैं, इसका क्या फायदा है? इसका कोई फायदा नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने। प्राइमरी की स्पेलिंग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सब सियासी भर्ती हुई हुई है। एक टीचर ऐसा नहीं है जो हमारे बच्चों को सही तरह तालीम दे सके। जहाँ टीचर है वहां फर्नीचर नहीं है, जहाँ फर्नीचर है वहां पर बिल्डिंग नहीं है, जहाँ बिल्डिंग है वहां पर ना फर्नीचर है ना टीचर है। मैं बिल्कुल शहजाद साहब आपने दुरुस्त बात की हीर, बिल्कुल ये आहे तो बजट एलोकेट कयो वने तो अरबे रुपया बजट रखियो वने तो, पर वो सही ग्राउंड ते यूटिलाइज न थो थे। अध हिसो जेकर पगारन में वने तो अध हिसो मुख्तलिफ जेके करप्शन जो कहानियों सामू अचन थी उन में वने तो, जेकर सही तरीके से बजट लगे तो आवाम के जो ग्राउंड ते फायदो अची सके तो। मुझे बात तो टीचर्स के लिखा को चाहिए वो मेना मानू वाली बात है काफी। हाँ ठीक है, कुछ सियासी भर्तियों थियं उनमें पर्सन तुझे सिंध में अड़ा कॉम्पिटेटिव टीचर हैं जी बेहतरीन टीचर हैं। अभी खुद गवर्नमेंट जो स्कूल में पढ़ी इतने पौत आयो अज भी अड़ा काफी सारा स्कूल जिसमें टीचर्स मेहनत से बार पढ़ाई था शूं कनता अदा भी चवी तो तुम हाँ मेना मानू वाली बात होंगी काफी सारा इंस्टीट्यूट विजिट असा पान पर्सनल क्या जिते 15-15 बार पढ़न था जिते 15-15 टीचर रेगुलर अचन था पढ़ाई था। हाँ तस्वीर जो बो रुकबो है जो गिदरी की गाल कर चुको था तो गिदरी में केर एमपीओ इन वक्त उनका इतिहादी अड़ा खोर सारा शुरू तक बेहतर करण में टाइम लगे जिते सियासी तौर से भर्तियों थियन जिते सियासी स्कूल ठहन उ प्रॉब्लम्स हैं पर उनके बावजूद तवज एजुकेशन सिस्टम बेहतर इंस्टीट्यूट बेहतर पा थे RHC के तुम कंके लेवल से खन पाओ कंके तुम डिस्ट्रिक्ट लेवल से खन पाओ अड़ी तरह शूं जो बेहतर थी तवर से चवन था शहजाद चवे तो जो है वो लोन दूँ था तो तुम सुनो था कर अगर सिंध गवर्नमेंट पैंने हारियों के आबादगार के लोन सॉफ्ट लोन दिए थी तो वो जो चुना गलत थी करें अगर सिंध गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पाबंद थी करे जड़ी हिसाब से महंगाई वही है जड़ी हिसाब से सामू है बेरोजगारी गुर्बत वही है उनमें अगर तुम प्राइवेट सेक्टर के ये चोड़ो तो ₹25,000 तुम सैलरी कर यकीन मुश्किल कम आटेप जो मुश्किल स्टेप तो वो ही कह जो अवामी अवामी पार्टी हूँ अवामी हुकूमतों में उ ही
अच्छा हीर मुल्क जी मुआशी मुआशी ढांचे ते तमाम घणी तनकीद कई थी वञे त भई वज़ीर आज़म इमरान खान मुआशी हवाले से मुल्क के पोते धिके छो या पॉलिसीज जैसे कौमी मुआशी तरक्की का इनकार है पीपल्स पार्टी जो तो हि बजट में जो पैकेजेस रखा वन या जो वाद कई वही है यो तो इन अकासी नो करे तो बिल्कुल अपोजिट है जैसे मुल्क की मुआशी सूरत हाल ठीक ना है तो सिंध हुकूमत जो तो बजट पेश करो क्रेडिट कंखे दी वो सभी को तवी मुआशी तरक्की वाले तनकीद वफाक हुकूमत की ब्रिज कई थी वे वो इन कर वे तो कलेक्शन टैक्स के बेहतर न तवी शो आईएमएस वे थी तुम के हिसाब से बजट ठा था हलो था यकीन वक्त जी शन वो प्रोविंस की कलेक्शन भी है फेडरल गवर्नमेंट की एनएफके अवार्ड की मद में कलेक्शन तक शेयर मिले तो बजट जो वो स्टेट ट्रांसफर फेडरल जो प्रोविंस जो इंटरनेशनल जो उन बजट है तो उनमें स्पेसिफिक कें अगर पंजाब हुकूमत ठाए थी तो पंजाब हुकूमत रिसोर्सिस प्लस तक इंटरनेशनल डोनर थी तो वे फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट मिली थी थे तो ऑटोमेटिकली जो बजट ठे तो वो तवजा प्रोविंस जिसोर्स केपी के हुए इवन तिस्ट्रिक्ट कराची जो कैंप थी रिसोर्सिस प्लस प्रोविंस केतो बजट तो दे फेडरल केतो तो बजट दे वो तक प्लस में कर बजट ठाइंदा तो यकीन मुआशी कतल जो चो तो वे असान पीपुल्स पार्टी उन्होंने मतलब तुम पॉलिसी जी तार कई पॉलिसी पॉलिसी बेहतर न कई तको आए बिजली अग वो तदाय छो टैक्स डायरेक्ट टैक्स था लगा आवाम के टैक्स लगाया था असो है तक इनडायरेक्ट टैक्स आई उन्होंने उन्होंने इंप्रूवमेंट करो पेट्रोल की मद में जैसे टैक्स वाया गैस की मद में जैसे टैक्स लगाया था जैसे तुम बिजली मद में गैस लगाया था वो टैक्स लामला आवाम से बढ़ न बिल्कुल शहजाद साहब उसका शहजाद साहब क्या कहेंगे आज सीएम सिंध ने जो बजट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनका कहना था कि वफाक ने सिंध के पैसे कम दिए हैं 147 अरब रुपए उन्होंने कहा हमें मिलने थे वो भी हमें नहीं लग रहा कि हमें मिलेंगे 760 अरब का वादा किया था वफाक ने वो भी लग रहा है कि हमें नहीं मिलेंगे जून में वफाक की जानब से 104 अरब रुपए मिलने थे हमें वो भी नहीं मिलेंगे तो इतने जो फंड्स इतने जो पैसे हैं जो वफाक को सिंध सूबे को देने हैं जब वो नहीं मिलेंगे तो फिर तरक्याती जो प्रोसेस है प्रोजेक्ट्स हैं वो तो फिर मुतासिर होंगे ना। देखिए पहली बात तो ये है ऐसा कुछ नहीं सिंध का जो भी जायज हिस्सा है सिंध का जो हिस्सा है वो उसको मिलेगा कोई भी नहीं रोक सकता एनएफसी अवार्ड के तहत जो सिंध का हिस्सा बना हुआ है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। मैं तो कह रहा हूं किसानों को आप कर्जे दे रहे हैं अच्छी बात है लेकिन किसानों को पानी तो दे दें सिर्फ बड़े वडेरे जागीरदार जो जरदारी साहब के करीब है सिर्फ उनका पानी खोला गया बाकी 30% पानी जो लाइन लॉसेस में 35% गया वो सारा चोरी हुआ वो पानी कहाँ गया। आप इनको पानी दे दें आप इनको मैं कह तो रहा हूँ सहूलतें दें जब आप इनको सहूलतें देंगे सिंध के लोग माशाल्लाह इतने बाशऊर हैं इतने पढ़े लिखे हैं और जो हमारा किसान है इतना मेहनती है ये डबल डबल फसल करेगा प्रॉब्लम आग आ रही है आप उनका पानी रोक लेंगे भले उनको आप किसान के नाम पे कर्जा भी दे देंगे वो कर्जे का क्या करेंगे कहाँ से पे करेंगे वापस वो इनको आप बिला सूट कर्जे दें अच्छी बात है इनको बीज दें इनको मोटिवेशनल जो भी स्कीम्स होती हैं वो इनके साथ शेयर करें हम इनके साथ हैं। और दूसरी बात ये कि पानी की बात की वो भी एलिगेशन वफाक पे और पंजाब पे लग रहा है कि भाई इरसा बीजी का किरदार में सबीन अब दुनिया बहुत माशाल्लाह एडवांस हो चुकी है अब तो हम अगले 4 महीने का वेदर बता देते हैं अब तो हर चीज मीटर आ गया है हर चीज आ गई है। मैंने आपसे कहा ना कि जिस असेंबली के अंदर हम हाजिरी हाथ से लगा रहे हो दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है अभी तक बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं आया तो आप ये सोचते हैं कि इन्होंने यहाँ मीटर का सही इस्तेमाल कर रहे होंगे ये चाहते ही हैं यहाँ पर प्रॉपर वाटर मीटर्स लगे कि पानी कहाँ आ रहा है किधर जा रहा है किसके पास जा रहा है। प्रॉब्लम ये नियतों का फर्क है अगर इनकी नियतें साफ हो तो इंशाल्लाह हमारा सिंध सूबा खुद गर्खेज हो जाए। मुझे बता देना कराची के लिए कौन सा मेगा प्रोजेक्ट है हैदराबाद के लिए बता दें सखर नवाक्षा के लिए बता दें एक ही रोना है पैसे नहीं मिल रहे पंजाब हमारा हिस्सा खा गया फला खा गया ये बचपन में तो हमारी बातें हमें सुनने को मिलती थी अब तो 18 तरीन के बाद सब कुछ इनके हाथ में सब कुछ इनके हाथ में गंदुम भी इनके हाथ में हर चीज इनके हाथ में जरात इनके हाथ में हेल्थ इनके हाथ में एजुकेशन इनके हाथ में इरिगेशन इनके हाथ में सब कुछ तो इनके हाथ में अभी किस चीज का ब्लेम कर रहे हैं भाई। ये बात शहजाद कुरैशी नहीं छुपा सकता कि कितना पैसा मिला और कितना नहीं मिला ना ये मुराद अली शाह छुपा सकते हैं ना मेरी बहन हीर सोच
छुपा सकती है ना सभी लाभ छुपा सकती है। हर चीज वेबसाइट पे ऑनलाइन अवेलेबल है, कितना पैसा मिला, किस सूबे को कितना पैसा मिला, कब मिला, किस दौर में मिला, किस दौर में क्या पेट्रोल की प्राइसेस थी, किस दौर में क्या था। आप अब लोगों को आवाम की आंखों में हम झूल नहीं सकते हैं, सबको सब कुछ पता है। अब प्रॉब्लम आ क्या रही है, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जा रही है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी अभी तक इन्होंने सियासी नजर किया हुआ है इसको। हैदराबाद के लोग इंसान नहीं है, हैदराबाद के लोगों को यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, हैदराबाद में तो हर जबान बोलने वाला है, तो उसको क्यों सियासत की नजर किया जा रहा है, क्यों एनओसी नहीं दी जा रही है। वहां पर एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, अच्छी बात है। जामशोरो भी एक अच्छा है घर है, जामशोरो एक बहुत खूबसूरत शहर है। मैं खुद जामशोरो में पढ़ने गया था, मैं खुद जामशोरो पढ़ाई हासिल करने के लिए 2-3 साल के लिए वहां गया था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि खुदारा इस तरह की ये जो हैदराबाद है, सक्कर है, नवाबशाह है, हर जगह पे यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, हर जगह पे हेल्थ का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। क्यों बेचारे सफर करके कराची आए, क्यों धक्का खाते हुए एम्बुलेंस में बैठ के अपना हजारों लाखों रुपए का खर्चा करके कराची आए तो यहाँ इलाज करें। उनको वहां उनके घर में सहूलतें मिलनी चाहिए। हमारी माँ बहन बेटियां घर की जो आवाम है वो मर रही है। एंटी रेबीज का अब हाल देख लें, बच्चों की डेथ हो रही है। हाल ये है कि दादू का रोड है, आज ये उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। दादू का रोड भी वफाक के ताबून से बन रहा था, अभी जो हैदराबाद मोटरवे है वो भी वफाक बना रहे हैं। सब कुछ वफाक करे, K4 वफाक करे, KCR वफाक करे, टेंडर 5 टेंडर कराची वफाक बनाए, सब कुछ वफाक करे, ग्रीन लाइन वफाक करे, तो भाई सिंध की क्या जी बना रही है, सिंध का काम के शहरी बाबू को खबर मटे दिन तमाशो सुठो है तो पानी चोरी पे थे पीपल पार्टी के वडा उनके पानी तो मिले इनके चो तभी तोठ में रहो था इनके चो विजिट कर अच्छा हीर मुझे इसका भी साथ साथ ये भी कर लीजिएगा क्योंकि टाइम बड़ा मुख्तसर है आप दोनों मेहमानों के पास, ये भी कर लीजिएगा कि जो तूफान है बदतमीजी हमने देखा कौमी असेंबली और सिंध असेंबली में, उस पर भी जरा जो है वो बात कर लीजिएगा। बिल्कुल समाप्ति कर रहा हूँ, एतरी शइ त फिगर से मुझे तो सब पैसा ॾेई छॾिया आहिनि, डॉक्यूमेंट्स हूंदा आहिनि यार, जेकॾहिं फाइनेंस फेडरल गवर्नमेंट पैसा ॾींदी आहे तो को लिखबल रिकॉर्डिंग में हूंदो आहे, उन्हनि खे छो ख़बर हुजे त तव्हांखे अगरि हे तूफानी बदतमीज़ी करण वारा आहिनि, अगरि जेको NRC अवार्ड जे मद में जेके शेयर गवर्नमेंट जा आहिनि अगरि हे रुपयो मथे ॾेई वञा त हिनजी तूफानी बदतमीज़ी हुजे, उहो रिकॉर्डिड हूंदियूं शयूं, ऐं अगरि उन्हनि चवंदा त हू प्रूफ कंद तव्हांजो शेयर सिंध गवर्नमेंट जेको शेयर आहे उन खां असां वधीक कयो आहे घटि न आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि, ॿी ॻाल्हि पाणी जे हवाले सां आउं सम्झां थी त PTI जो तमामु ग़लति अफ़सोसनाक आहे, जिते हे चवंदा त कोटी डाउन खां पाणी ज़ाया थो थिए। यार हिननि शहरी बाबुनि खे चओ थोरो ख़ुदा जे वास्ता वञो ॾिसो वञे, हुते जेके चैनल सही में वाह आहिनि कुझु वाह 12 महीने जे पाणी हलंदा, कुझु वारा हूंदा जेके 6-6 महीने जा हूंदा, सिस्टम आहे त हिकिड़े पासे पाणी जेको हूंदो आहे 12 महीने सिस्टम आहे, तव्हांजे इरीगेशन जो पूरो सिस्टम आहे जीअं सिस्टम में पाणी हले थो, तेल में पाणी नथो पहुचे, तव्हांखे त वॾेरा खाओ त वञनि वॾेरा पाणी त पीअनि, पाणी अचे थो कोन पहुचे ई कोन थो, पाणी वॾेरा किथां खाईंदा की त वॾेरनि जंहिंजो तव्हां ई असां हलूं था, पाणी पहुचे कोन थो, तव्हां सिस्टम जिते तव्हांजी शयूं ग़लतियूं कयूं पयूं उन्हनि खे ॾिसंदा वञो, ऐं तव्हां वधीक घटि ख़तरो करण वारो आहे, तव्हां शो बिल्कुलु तव्हां सही चयो तव्हां में शयूं आहे, उनजे करे अॼु PTI खे छा वोट थो मिले, पीपुल्स पार्टी खे छा वोट मिले थो उनजो तव्हां साम्हूं जमनी इलेक्शन में तव्हांजी रिज़ल्ट छा आहे असां पीपुल्स पार्टी जो उतां। ॿी ॻाल्हि, तव्हांखे तूफानी बत बिल्कुलु कंडेम करूं था, ऐं जी माशाल्लाह PTI जी हुकूमत आई आहे, हिननि जो रवैयो आहे त असां आवाम त इहो पहुचायूं त सियासतदान आहे उहो बुरो आहे ऐं उनजो एटीट्यूड ख़राबु आहे, ख़बर न आहे कंहिंजी पॉलिसी ते हलनि था कनि था, हीअ सिर्फ़ु पंहिंजी शकल ख़राबु कोन था कनि सियासी तौर ते, बल्कि पूरी सियासतदान खे ख़राबु करणु चाहिनि था, पूरी सियासत ते गंदो करणु चाहिनि था, जहिड़ी तरह जो एटीट्यूड हिननि जो प्रोविंस में रखियो वियो आहे, जेको एटीट्यूड आहे हुननि जो फिलहालु तव्हां तूफान बदतमीज़ी ॾिठी, जेको असां सम्झूं था तव्हां जहिड़ो मुंहिंजो आम शहरी सम्झे थो त शायदि सियासतदान गंदो थी वियो आहे, हिननि जे रवनि जे करे अॼु आम शहरी सम्झण ते मजबूर थी वियो आहे त सियासतदान गंदो आहे, सियासतदान जो चहिरो गंदो आहे, पहिरीं हिननि जी इहा पॉलिसी हुई सियासतदान चोर आहे, सियासतदान बदतमीज़ आहे, सियासत करप्ट आहे, हाणे हिननि जी कोशिशि आहे त सियासतदान असेंबली जे फ्लोर ते वेहण जे लाइ,
हाँ इन पॉलिसी है जो चाहन था जो अवामी लीडर अचन था अवामी पार्टी अचन थी उन्होंने चेहरों खराब कर शहजाद साहब क्या कहेंगे असेंबली फ्लोर्स पे जो हमें गैर पार्लियामानी रवैया लैंग्वेज एक्ट या एटीट्यूड नजर आता है कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए मैं ये समझता हूँ कि बदतमीजी किसी भी तरफ से हो वो काबिल मजम्मत होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जब ऑपोजिशन लीडर तकरीर करते हैं और उस पर अगर पीटीआई वाले एहतजाज करते हैं तो ये उसको बुरा कहते हैं, ठीक है दो मिनट के लिए मान लेते हैं ये लोग बुरा कर रहे हैं, लेकिन जब वजीर खजाना या इमरान खान साहब स्पीच करते हैं तो उनका रवैया क्या होता है? इनके कौमी असम्बली में दो लोग हैं आगा रफीका और कादिर फटेल, उनकी बदतमीजियां उनके लैंग्वेज उनके डायलॉग आप देख लें। मैं ही तो मुजम्मत कर रहा हूं, हमारा भी कोई बंदा मुजम्मत करता है हमें, हम कतन इसका साथ नहीं देते। सिंध असेंबली के अंदर भी तीन से चार लोग हैं पीपल्स पार्टी के, वो सब पता है, मेरी अभी को भी पता है कौन लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन मैं कुछ लोगों को अप्रिशिएट करता हूं, मैं पीपल्स पार्टी में कुछ लोगों को अप्रिशिएट करता हूं, नासिर हुसैन शाह है, दीम लजिक है, शबीर बजरानी है, पीर मुजीब है, आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हमारे यहाँ, लड़ाई झगड़ा जो चाहते हैं वो कौन लोग हैं शहजाद साहब? जो चाहते हैं वो कौन लोग हैं? असल चीज है क्या, सिंध की आवाम की खिदमत कर लें, बजट को इम्प्लीमेंटेशन कर लें। पेपर के ऊपर तो पीपल्स पार्टी बहुत बड़े बड़े दावे करती है, अमली तौर पर सारा रिजल्ट जीरो है। कराची की आवाम 90% सिंध को कमा के देती है, कराची दारुल खिलाफा है सिंध का, लेकिन कराची के साथ जो जो मुझे कह रही है शहरी बाबू, तो कराची शहरी बाबू तो फिर सारा जा रहा है, लौटाना जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है, तमाम जगहों पे जा रहा है, वहां जाके विजिट कर रहा है, वहां के लिए लोगों के लिए आवाज उठा रहा है। मैं तो कहता हूँ कराची पे भी खुदा के वास्ते नजरसानी कर लें, इसको इसको अपने अपनी क्या कहते हैं कराची दुश्मनी ना बनाएं, कराची के आवाम के लिए काम करें। आपके पास हुकूमत है, 10 से 15 लोग चला रहे हैं, सिटी गवर्नमेंट बनाएं, लोकल लोकल बॉडी को वो दें, चाहे पीपल्स पार्टी का ही मेयर आए, जिसको आवाम वोट देगी वो आएगा, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन मेयर को ताकतवर करें ताकि हमारा सिंध सूबा तरक्की करे। इसी तरह हैदराबाद, सक्कर, लाखाना, नवाबशाह, आपके दादू, ये तमाम शहर इनकी तरफ देख रहे हैं। अब लोगों बहुत बाशऊर हो चुके हैं, और ये मैं आपको बता दूं, 2023 इंशाल्लाह सिंध में तब्दीली का साल होगा, ये मैं आपको बता दूं। हीर हिकड़ो बियो मामलो बहरिया टाउन वारो मामलो जें ते पिण सिंध जवरे वजीर पारां गाल कई वई त बहरिया टाउन में मिल्कियतन के नुकसान दिनो वयो, बंज ड्रा कंदड़न खिलाफ कार्रवाई थींदी, जिते भी बिगोड़ थींदो कार्रवाई थींदी, हिन वक्त ताईं केड़न माण्हुनि जे खिलाफ कार्रवाई थी सघी आहे? इट मींस के बंज ड्रा कंदड़न खिलाफ अञा ताईं का कार्रवाई न थी सघी आहे, उहे पकड़ में न अची सघिया आहिनि, पोइ छा बेगुनाह माण्हुनि जूं गिरफ़्तारियूं थियूं आहिनि, उन्हनि ते केस दाख़िल कया विया आहिनि? सभी की त हिनखे इहो पार्टी जी पॉलिसी आहे, यकीन सिमंडे ऐं चेयरमैन पार्टी जी हिकु पॉलिसी आहे त जेका ज़मीन बहरिया टाउन खे सुप्रीम कोर्ट जी तरफ़ां जेका बाउंड्री, चाहे उहो बहरिया टाउन हुजे, डी एच ए या को मतिलबु जेका बाउंड्री आहे अंदरि जेको कमु कंदा असां सपोर्ट कंदासीं, बाउंड्री खां ॿाहिरि जेकॾहिं हुननि किथे एक्सेस करण जी वधाइण जी कोशिशि कई, उन ते गवर्नमेंट स्टैंड खणंदी ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ु एक्शन खणंदी, चाहे उहो बहरिया टाउन आहे त बहरिया टाउन जे अंदरि जेका ज़मीन जेको प्रोजेक्ट आहे उन में हू कमु कंदा, असां हुनखे सपोर्ट कंदासीं। अगरि हू ज़बरदस्ती कंहिं बि ॻोठ खे या अॻियां वधाइण चाहींदा त हुनजे ख़िलाफ़ु सख़्तु कार्रवाई थींदी। ॿी ॻाल्हि इहा त जेको उन ॾींहुं जेको बि इशू थियो हो त यकीननि हुते जेके दुकान वग़ैरह चढ़िया, सिंध गवर्नमेंट जूं ॿ एफ आई आरूं कटियल आहिनि, हिकिड़ी एफ आई आर त जेको M9 ते जेका मतिलबु शयूं ख़राबु कई हुनजे हवाले सां, ॿी जेका प्रॉपर्टी अंदरि जेके दुकान जलाओ घिराओ थिया हुआ उन ते सिंध गवर्नमेंट जूं ॿियूं आहिनि, बाक़ी जेके एफ आई आर आहिनि उते लोकल उते जेके जिते जिते जंहिंजो नुक़सानु थियो हुन सां, सिंध गवर्नमेंट जो बिल्कुलु आहे त उहे माण्हू गिरफ़्तार थींदा जिन खे बाक़ाइदा ॾिठो वियो, चाहे उहो नारा सिंध पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु लॻाया विया या जिन उते मतिलबु जेके तशद्दुद कयो या इमारतनि खे कंहिंखे नुक़सानु थियो सिर्फ़ु उन्हनि खे, ऐं हुननि जी चेयरमैन मशवरो ॾिनी त तव्हां कंहिं भेरो अगरि कराए त बाक़ाइदा कमेटी ठाही वेंदी त कंहिं पहिरें ग़लति माण्हू खे या नाजाइज़ माण्हू खे गिरफ़्तार न कयो वञे न हुनजे ख़िलाफ़ु एक्शन कयो, जेको इन में अमल में इनवॉल्व हो सिर्फ़ु उन्हनि जे ख़िलाफ़ु एक्शन खणंदो कार्रवाई थी वेंदी। इट मींस द पीपल्स पार्टी एडमिट करे थी त जेके माण्हू गिरफ़्तार आहिनि उहे ॾोही आहिनि? न बिल्कुलु, उन में इन्वेस्टिगेशन आहे, कुझु उन में अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके जेके बि ॾोही आहिनि उन्हनि खे उन्हनि खे एफ आई आर नाला कटिया विया आहिनि, उन्हनि खे छॾियो वियो आहे, ऐं उन्हनि माण्हुनि खे छो त अॼुकल्ह एफ आई आर मुंहिंजे ख़्याल में 22 एफ आई आर चवनि या छा 24 एफ आई आर चवनि त हिन इशू ते घटियूं आहिनि, त जेके बि उन इन्वेस्टिगेशन थिए पई त जेके बि उन्हनि में सी एम जी बि इंस्ट्रक्शन्स आहे, पूरी कमेटी आहे, त जेकॾहिं असांखे उहो माण्हू हुन जेको फुटेज जे थ्रू बाक़ाइदा जलाओ कयो आहे उन्हनि खे गिरफ़्तार, अदरवाइज़ जेकॾहिं ॿियो को आहे त हुनजे ख़िलाफ़ु पुलिस जे ख़िलाफ़ु एक्शन खयो वेंदो।
वो मूँ रिलीफ थियन प्रैक्टिकल मलिर जम्पीज एमएलएस मेन तो जो करके इन्वॉल्व ना तो उनके गिरफ्तार न कर वे या अगर गिरफ्तार तो उन्होंने छोड़ो भी वो है एफआईआर में अगर नाला पाइन तो वे भी वापस खाया वन सो वो क्लियर पार्टी की गवर्नमेंट की पॉलिसी है अगर बैरिया पैं हद का शूं की तो उन्होंने खिलाफ भी कार्रवाई कई भी कभी भी अगर कभी तो अगर वो जो तुम्हें जगह मिली है तो उनके डिवेलपमेंट का असर एतराज ना अदरवाइज अगर गोठान या बो करे तो उनके वाले बाकायदा कमेटी बिन टिन में अनाउंस की जो बाकायदा इन्होंने रिजर्वेशन गोठन जो या इतने वन पा उन हवाले से जो इन टाइम से जो भी इशूज थो है उन हवाले से कमेटी ठही वी जो इन शे साफ रखी बहरहाल जो वाको थो अफसोसनाक वाको थो वड़ी मेहरबानी हीर तापांजो मौके देने के लिए असा के जॉइन कियो शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन प्रोग्राम के सिलसिले के जारी रखनासी वक्त है मुख्तसर वक्फे जो वठुंदा वक्फो वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम के सिलसिले के अगत बुधाइन वक्त अस अगूणी मेंबर्स इन असेंबली नून लीग से तालुक रखंदड़ सोरठ थेबो साहब जॉइन किया सोरठ भलीकार तापांजो मौके देने के लिए असा के प्रोग्राम में जॉइन कियो सोरठ तहां भी असेंबली जो हिस्सो रही चुकी आयो असेंबली जी कार्रवाई किए थींदी आहे उते अवामी जेके इश्यूज आहिन उनन जे की डिस्कस थींदा आहिन या आईनी तौर केड़ा फैसला वरता वेंदा कानून साजी जो एकड़ो फोरम होजे थो पर उते हिन वक्त जेको मुल्की सियासत में चाहे वो कौमी असेंबली जो फ्लोर होजे सूबाई असेंबली जो फ्लोर होजे जेका हुल्लड़बाजी जेको एटीट्यूड या जेको गैर पार्लियामानी रवैयो असां के नजर अचे थो वो छा मैसेज कन्वे करे थो अवाम ना महरबानी सभी सब का पे तो कल को वाक्य थो जी असो असेंबली जो हिस्सों रहूं ज्यादतियों भी थन्दूँ दाऊँ बुकूँ भी पर कल जो वाक्य थो तो असि सी कौम जो शर्म का कंध झुकाय छो सी दुनिया में असर जो अजीब किस्म की शर्मनाक पोजिशन में अची आऊँ तो असा जी ये इदारा जैके अस मुकदस इदारा था चूं जैके कानून साज इदारा था चूं जिनके पूरी कौम चूंडे जहाँ उत मोकले थी तो बेहतरी के लिए कम कर दिखो तो कड़े नमूने का हुकूमत कड़े अंदाज सा सो तरीकेकार कड़े नमूने से कारगन थोड़े नमूने से सो बदतरीन सूरत हाल पैदा कई गई सो पे तो सभी कहींदस तो ये जो हुकुमरान जेके मां चाहां थी त जाली तरीके सां जेके वोट ते आया आहिनि मां ॿ नंबर नालो नथी वठां वकील जाली तरीके सां जहिड़े नमूने सां आया आहिनि उहे ज़ाहिर आहे पार्लियामेंट खे त पार्लियामेंट सम्झनि ई कोन था पहिरें टे वन खां वठी पार्लियामेंट खे पार्लियामेंट सम्झनि ई कोन था हू त सम्झनि था त असां जहिड़े नमूने सां आया आहियूं त आवाम जा जवाबदार न आहियूं आवाम सां जे दुख सुख उनजी तकलीफ़ में को फ़र्क़ु कोन थो पए जहिड़े नमूने सां हिननि कूड़ियूं ॻाल्हियूं करे कंटेनर ते वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं करे झाड़ू हणी आया अॼु जी जेका हाणे जेका हिननि बजेट ॾिनी उन में उहो ई साॻियो तरीक़ेकार कूड़ वधाउ एॾो वधाउ जो माण्हू हैरान थियो वञे सो अहिड़नि कूड़नि लीडरनि ऐं कूड़नि सियासतदाननि जेको आहे सो सियासत खे गंदो कयो आहे जंहिंमें न मूंखे त डपु थो थिए त हाणे के हालतूं खे ॿिए तरफ़ न वञनि सोरठ स्पीकर जो होंद है कौमी असेंबली जो हो या सूबाई असेंबली जो हो जब इन तरह जहाँ मामला थियन था तो स्पीकर एतरो बेअख्तियार होंद है तो का फौरी तौर कार्रवाई न कर सके एतर गारियों डिन व्यू एक बे बजट बुक्स उछलया वह जख्मी किया बे के सार्जेंट्स हूं फौरी तौर स्पीकर का कार्रवाई न पो कर अज जिन 70 मेंबरन की दाखिला रोकी वही है वजीर अजम से मुलाकात भी कई है स्पीकर कौमी असेंबली यो सब मामलो कल अगर जो फौरी तौर उन वक्त एक्शन वरतो वे हाँ ॾिसो स्पीकर डिप्टी स्पीकर धुर लॻा पिया आहिनि उहे चवनि था आइन का शइ कोन्हे डिप्टी स्पीकर त इहे जुमिला चया त आइन को महिमान त ई न आहियूं त हू त अहिड़े नमूने सां तव्हां ॾिसो धुर लॻा पिया आहिनि हिन जो मास्टर माइंड जेको आहे सो जयदी साहिबु आहे वज़ीर आज़म पाण आहे जंहिं नमूने सां हिन अहिड़े नमूने सां माहौल पैदा कयो त जीअं अपोजिशन लीडर न ॻाल्हाए सघे अपोजिशन पुछी न सघे उन्हनि खे असां अहिड़े नमूने सां तश
डीमोरलाइज क्यों या उन्होंने अड़े नमूने जीनी तौर से तार चढ़ या उन्होंने अड़े नमूने से गार गंद कर पुछड़ो क्यों तो अड़े तरीके से इन जो है सो पार्लियामेंट के मस्किरी अजीब किस्म जो गंद बनाए छो सो उ मू जिन पार्लियामेंट से लानत विधी इन वजीर आजम इमरान खान पार्लियामेंट के तक याद हो रो तो उन अड़े किस्म जो सो ये उए मानू अज जो को आए सो सजी सियासत के गंद जो केयर कर स्पीकर बिल्कुल दुर्लगाल स्पीकर के वा अख्तियार स्पीकर घो कुछ करे सके तो कस्टोडियन आ हाउस जो सो अड़े नमूने से वो जो चाहे न तो जो पार्लियामेंट के हल ही ना चाहन सोरट इन तरह जो रवैयो या माहौल असांखे टीवी प्रोग्राम्स में भी नजर अचे थो एतरे कदर ताईं जो जेके औरत मेंबर्स आहिनि जेके जिनके उहिदो आहे उहे जेकनि से मर्द मेंबरनि खे थप्पड़ बि वहाए कढनि थियूं गैर अख़लाक़ी ॿोली बि ॻाल्हाइनि थियूं ग़रेबान बि पकड़ियो वञे थो हिक ॿिए जे हथ पकड़िया वञनि था हाथा पाई कई वञे थी उहो मां तव्हांखे चयो त हीअ जेके अवाम खे पंहिंजो जवाबु त नथा सम्झनि हीअ सम्झनि था असां जहिड़े नमूने सां डिक्टेटर अंदाज़ सां आया आहियूं उन जे करे कंहिंजी बेइज़ती कयूं कंहिंजो पटको लाहियूं कंहिंखे थपड़ूं हणूं कंहिंखे गारियूं ॾियूं कंहिंखे बेइज़तो कयूं कंहिंखे जेल में विझूं कंहिंसां कहिड़ो रवैयो रखूं उहा असांजी मर्ज़ी आहे असां जहिड़े नमूने सां लाहियूं डिक्टेटर जे बदतरीन दौर में बि अहिड़े क़िस्म जी हालतूं कोन थियूं जेको अॼु थियूं आहिनि तव्हां हालतूं ॾिसो इहे हालतूं सभिनी खे ॾंदे आङड़ियूं अची वियूं आहिनि त छा हालतूं आहिनि अहिड़े नमूने सां मुल्क हलायो वेंदो आहे अहिड़े नमूने सां सिस्टम हलायो वेंदो आहे अहिड़े नमूने सां पार्लियामेंट खे हलायो वेंदो आहे त इहे हालतूं जेके आहिनि सो ॾाढी शर्मनाक ऐवान जो तक़दुस कीअं पायमाल थिए थो पोइ बाक़ी छा बचे थो जेकर ऐवान में इहा सूरत हाल थिए थी कुझु नथो बचे कुझु बि नथो बचे बिल्कुलु तव्हां सही था चओ ऐवान जेको पूरी क़ौम जे जेको आहे सो वोटनि सां चूंड जीअं आयल जेको मुक़ररु ऐवान आहे जिते असांजी कानून साज़ी थिए थी जिते असांजी क़ौम जे तकदीर जा फ़ैसिला थियनि था उते तव्हां अहिड़े क़िस्म जूं हालतूं कयो इहो कहिड़ो मैसेज था ॾियो दुनिया खे कहिड़ो मैसेज था ॾियो असांजे नौजवाननि खे कहिड़ो मैसेज था क़ौम खे ॾियो तव्हां इहे ई हालतूं जेके आहिनि असांजे नौजवाननि खे इन्हनि हालतुनि में पहुचायो आहे जो अॼुकल्ह बर्दाश्त कान्हे सां हिक ॿिए जे गले में वठण में गार गंद करण में की बेइज़ती करण में मारण में क़त्ल करण में देरी नथा कयो जेके मिनिस्टर ईअं कनि मिनिस्टर तव्हां कल्ह ॾिसो मिनिस्टरनि जो छा रवैयो मिनिस्टरनि जो छा रवैयो अॼु जेकॾहिं इन सतनि ते खयो आहे त मिनिस्टरनि ते त कोन स्पीकर खयो आहे तव्हां ॾिसो इहे धुर लॻो वेठो आहे सतनि ते त उन एक्शन खयो आहे हुनमें नून लीग जा भाउ भई नून लीग जा जेको आहे तव्हां ॾिसो सॼी फुटेजिस आहिनि त कंहिं कंहिं बदमाशी कई कंहिं शुरूआति कई कंहिं गाॾियूं ॾिनियूं कंहिं गंद कयो कहिड़े नमूने सां जेको आहे हिननि तरीक़े तरीक़ो अख़्तियार कयो सो बिल्कुलु तव्हां सही था चओ त हींअर पार्लियामेंट जी जेको आहे सो जेका बुकत नज़र ई कान थी अचे त पार्लियामेंट बि आहे असां वटि सही वॾी महिरबानी सोरठ थेबो साहिब तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो नाज़िन नून लीग सां तालु रखंदड़ अॻूणी मेंबर्स इन असेंबली सोरठ थेबो साहिब सां गॾु जंहिंजो चवणो हो त मौजूदा जेका मेंबर जेके ऐवाननि में वेठा आहिनि जेके नुमाइंदगी कनि था उन्हनि जेको हिन वक़्तु सियासत जो लाड़ो मुतारिफ़ करायो आहे इंतिहाई ख़तरनाक आहे अवाम लाइ इन तरह जो ग़लति मैसेज वञे थो अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त अलाह वाहिम